व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं, देखिए जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसके आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। राधे राधे।